जनकपुरी के एक राजा हुए जिनका नाम था शिरध्वज, जो जनक के नाम से जाने जाते थे। जनक के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता, और जनक के यहाँ एक धनुष रखा हुआ था, भगवान भोले बाबा का वो धनुष। अब वो धनुष इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन वही धनुष वैसे एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है, जब वो धनुष रंगभूमि में लाया गया था रमोला जी, तो एक पहियों वाली गाड़ी पर लाया गया था जिसको उठाने में 5000 जवान लग गए थे। काय का बना हुआ ये धनुष था? लोहे का था कि तांबे का था कि सिल्वर का था कि पीतल का था? ये धनुष ना तो लोहे का था, ना तांबे का था, ना सिल्वर का था, ना पीतल का था। ये धनुष जो था दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष था, वही धनुष जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। और जब सीता जी ने धनुष उठाया तो कितनी उम्र में उठाया? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में जब सीता जी ने धनुष उठाया है। वहां के श्री जन की दुलारी सीता ने और बचपन में कौन तक देख लाया, के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन एक दिन वही धनुष सीता जी ने उठा लिया 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में। और जब सीता जी ने धनुष उठाया है श्री जनक तुम्हारी सीता ने उठाया 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में, तो जनक ने देख लिया कि यह हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। मतलब जनक ने जब ये देखा है हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया, तो जनक राज ने एक बात सोची, देखा जब जनक राज ने ये सीता के धनुष उठायो है। और जब दरबार में पहुंचे हैं, बोले हैं दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया, धनुष को उठा लिया है, और अब हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे। जो इस धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। चारों ओर पत्र भेज दिए जाएं, खत भेज दिए जाएं, भाई हुआ। हाँ जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़े गिराएगी, बस उसी भीर कौन रविवाद जानकी विवाही जाएगी। चिट्ठी में सब में एक ही बात लिखी है और साफ साफ उस खत में लिख दिया है जनक ने, जिस महावीर की मां शक्ति धनवा तोड़ी गिराएगी,
सातवें चिट्ठी में सब में एक ही बात लिखी है, जो इस धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। चारों ओर पत्र भेज दिए जाएं, खत भेज दिए जाएं, भाई हुआ चारों ओर पत्र भेजे हैं, खत भेजे हैं, खत में चिट्ठी में सब में सिर्फ एक ही बात लिखी है। राजाओं के पास में जब खत पहुंचे हैं तो चंदी उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। विश्वामित्र को खबर मिल गई कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है, और जब विश्वामित्र को खबर मिली है तो विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम अब हम जनकपुरी की ओर चलेंगे। मतलब बोले हाँ, खबर जब मिली है तो खबर मिलने के बाद है पाते ही खबर से मर की श्री जनक राज के धाम चले। खबर जब मिली है कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है तो विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम अब हम जनकपुरी की ओर चलेंगे। मतलब बोले हाँ, नहीं बात है ना, पुरुषोत्तम श्री राम लग बढ़ाता लक्ष्मण, और जब आगे चले हैं तो एक ऐसे वन में पहुंचे हैं, एक निर्धन वन है जो पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। आगे जब बढ़े भगवान बन में पहुंचे हैं, खबर जब मिली है कि सीता का स्वयंवर है, तो जब चले हैं भगवान श्री राम लग भ्राता लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में, आगे को जब बढ़े हैं तो एक ऐसे बन में पहुंचे हैं, एक निर्जन बन है जो पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। और जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे तो भगवान ने क्या देखा है कि उसी रास्ते पर एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है, और जब पत्थर की स्त्री को देखा है तो राम ने सवाल किया है, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री, ये मैं क्या देख रहा हूं, कौन है ये? तो विश्वामित्र समझाते हैं, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इनका नाम है अहिल्या। तो राम बोले, गुरुदेव मगर ये पत्थर की कैसे हो गई? विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, इसलिए ये पत्थर की हो गई। श्राप दे दिया? हाँ। क्यों दे दिया? बोले सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले सुनो, अहिल्या देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन इंद्र ने अहिल्या को बाग में जब फूल तोड़ते हुए देखा है तो अहिल्या जो थी, अरे थी जो चंद्रवदन होशियारी, राम ने जब सवाल किया है विश्वामित्र से तो विश्वामित्र समझाते हैं, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है, और गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, इसलिए पत्थर की हो गई। श्राप दे दिया? क्यों दे दिया? तो बोले सुनो, एक दिन इंद्र ने जब बाग में फूल तोड़ते हुए देखा है तो अहिल्या देखने में बहुत सुंदर लगती थी। We'll be right back.
अहिल्या देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन इंद्र ने अहिल्या को बाग में फूल तोड़ते हुए जब देखा है लला सोनू, तो एक दिन इंद्र के दिमाग में एक बात आई है, हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे, लेकिन कैसे करें, गौतम ऋषि सारे दिन तो घर पर रहते हैं। फिर इंद्र ने सोचा है चलो चंद्रमा के पास चलते हैं और चंद्रमा से मदद मांगते हैं। एक बात और बता, ये इंद्र चंद्रमा के पास क्यों गया और किसी के पास क्यों नहीं गया? देखो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। ये चंद्रमा में गिरे हुए विचारों का था, चंद्रमा के 27 औरतें थी और 27 औरतें बांझ थी, लेकिन ये फिर भी अपनी गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा लाया था, तो यह अवगुण चंद्रमा के अंदर भी था। तो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। अब इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंच गया और हाथ पकड़ी के बात कही, भैया आज तुम एक छोटा सा काम कर दो, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आज रात को तुम मुर्गा बन जाना, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आज रात को तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना, हेलो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आज रात को तो मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाएंगे। अब चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा है, डबलिंग कम करो इसकी, कहां चलोगे, कम करो, आज रात को डबलिंग कम करो इसकी, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, आज रात को कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर में घुस जाऊंगा, ऋषि को बहका लेना, मैं घर में, तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, घर में घुस जाऊंगा, ऋषि को बहका लेना, मैं घर में, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आज रात को तुम मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाएंगे। अब चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा है कि कहां चलोगे, कहा चलो के चलो चंदी। गौतम ऋषि के आश्रम पर जब दोनों पहुंचे हैं, और जब गौतम ऋषि के आश्रम पर दोनों पहुंचे हैं, तो चंद्रमा बोला है इंद्रिय तो गौतम ऋषि का आश्रम है, बोले हां यहीं तो आए हैं। अब दोनों वहां बैठ गए, और जब दोनों वहां बैठ गए, आधी रात जब भई है, तो इंद्र बोला है चंद्रमा खड़े खड़े मौ की तरफ क्या देख रहा है, मुर्गा बनो। चंद्रमा बोला इंद्र हमें कितना वक्त लगेगा भैया, तुम बाबा बनो ना। अब इंद्र महात्मा बन गया और चंद्रमा मुर्गा बन गया। अब मुर्गा बन करके चंद्रमा ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ी देर हुआ क्या, होना क्या था वहां, आधी रात जब भई है, रात सोनू कई आवाज लगाई,
का बन करके चंद्रमा ने आवाज लगा दी। गौतम ऋषि सोचा लगे बाजी वाह सवेरे तो बड़ी जल्दी हुई हो। वस्त्र उठाए गंगा नहाने के लिए निकल गए। इंद्र को मौका मिल गया, इंद्र घर में घुस गया। परिणाम ये हुआ आवाज लगा दी। गौतम ऋषि सोचने लगे बाजी बात सवेरा तो बहुत जल्दी हो गया। वस्त्र उठाए और गंगा नहाने के लिए निकल दिए। इंद्र को मौका मिल गया, इंद्र घर में घुस गया। गंगा मैया बोली है गौतम ऋषि तुम बहुत जल्दी आ गए, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। अब गौतम ऋषि वहां से भागे और जब गौतम ऋषि वहां से भागे हैं क्या देखा है कि दरवाजे पर चंद्रमा मुर्गा बना बैठा है, तो भी की धोती मारी है जिसके धब्बा आज तक नहीं छूट पाए। इंद्र ने देखा है कि गौतम ऋषि आ गए तो इंद्र वहां से निकल करके भाग गया। अहिल्या को श्राप दे करके पत्थर की कर दिया। बेटा राम ये बही अहिल्या है और तुम्हारे चरणों की धूले अगर अहिल्या के ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने देर नहीं की, विश्वामित्र के कहने के आधार पर कि गुरु विश्वा मित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। आधार पर भगवान श्री राम ने देर नहीं की। परिणाम ये हुआ गुरु विश्वामित्र के कहने से वो नहीं क्या का उद्धार किया। इंद्र के पाप से कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। भगवान ने देर नहीं की है, विश्वामित्र के कहने के आधार पर अहिल्या का उद्धार किया है। और जब अहिल्या का उद्धार किया है तो विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम अब हम जनक के फूल बाग की ओर चलेंगे। मतलब बोले हाँ प्रभु राम बोले हैं गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, चलो जनक के फूल बाग की ओर चल रहे हैं। आगे को जब बड़े हैं जनक के फूल बाग की ओर जब बड़े हैं तो हुआ ये। अच्छा अच्छा जनक के फूल बाग की ओर जब बड़े हैं वहां के चले रघुराई भगवान श्री राम लघुभ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जब आगे को बढ़े हैं के चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले लग बढ़ाता लक्ष्मण जो जनक के फूल बाग की ओर चले हैं। चले तो हैं लेकिन कब चले भगवान? तो तुलसीदास जी बोले पूरा
में पहुंचे हैं। और जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं भगवान, विश्वामित्र गुरु के गुरु विश्वामित्र के साथ में जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं और जाकर के वहां बैठ गए, साथ साथ कथा भी चलती चलेगी। राजपूत कैसेट में जो हमारे बड़े विधाता जी ने जो लाइन गाई थी, अब वो एक लाइन में सुना दे रहा हूं। एक पत्नी अपने पति से बोली है समझा करके, अरे सुन ले परिवार है ना रहेंगे तो तुम्हें ना मालूम है।
कितने अच्छे अच्छे ठाट हैं। लक्ष्मण जब पहुंचे हैं जनक के फूलबाग में, और जब जनक के फूलबाग में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम पूजा का समय हो रहा है और तुम दोनों भाई इस फूलबाग में चले जाओ और फूल तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आओ। तो राम बोले हैं, गुरुदेव ऐसी क्या बात है, हम दोनों भाई जा रहे हैं और बाग से फूल तोड़ने के बाद में अभी तुरंत लौट करके आ रहे हैं। भगवान श्री राम जो है विश्वामित्र को समझाने के बाद में जनक के फूलबाग की ओर जब बढ़ गए, देखते हुए जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प पर भ्रमरा के लोलहें कर रहे हैं, और आगे बढ़े तो क्या देखा है, एक सरोवर है, उस सरोवर के किनारे एक गिरजा जी का मंदिर है, देखा है भगवान ने। तो प्रभु राम बोले हैं लक्ष्मण से का थोड़ी देर हम वहीं बैठेंगे, उसके बाद में गुरुदेव जी के पास में चलेंगे। अब दोनों भाई गिरजा जी के मंदिर के पास में बैठ जाते हैं, इधर दोनों भाई बैठे हैं और तब तक उधर से सीता जी चली हैं सहेलियों के साथ में, हाथ में पूजा की थाल लेकर के उसी फूलबाग की ओर। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हैं गिरजा जी की तपस्या करने के लिए, वो सीता जी जो हैं जब चली हैं जी जब चली हैं उसी फूलबाग की ओर, उतले सखियां ना को संग जानकी, और फूलबाग में आई उतवगिया के बीच में बैठे राम लखन तो भाई। सहेली सीता से बिछुड़ी गई, और जब सीता जी से बिछुड़ी गई पहुंच गई कहां, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं वहां, सू
भैया नकी रही गई नजर जमाई। चली हैं सीता जी उसी फूलबाग की ओर, लेकिन सीता की एक सहेली सीता से बिछड़ गई। यो पहुंच गई कहां, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं वहां, और जैसी राम की सूरत देखी है तो नहीं पाऊं वापस लौट आई, और जहां सीता जी बैठी हैं पास में जाकर के पहुंच गई, और दोनों हाथ जुड़े हैं। बहन जिनका हम परसों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम परसों से नाम लेते आए हैं, अब मालूम पड़ता है कि भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद हैं। मतलब बोली हाँ, हमें तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है बहना, बरसों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम बरसों से नाम लेते आए हैं, मालूम पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद हैं। मौजूद हैं और तुम हमारे साथ में चलो बहन। पति की बात बताती हुई एक दूसरी सहेली से बोली, बहन हम बड़े खुश हैं अपने पति से। क्यों खुश हो? तो बोली तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन हमारी बात सुनो। अरे मेरे साथ को बरना रे मेरो फलो
हम बड़े खुश हैं अपने पति से। तो मैं ना मालूम सवेरे जब हम उठ ना पाते हैं तासे पहले चौका वासन करे चाय की चिंता ना रोटी कर ले पावे। बड़े खुश हैं अपने पति से चौका वासन करे चाय की चिंता ना रोटी कर ले पावे। जो हम गुस्सा होए ना रोटी तक खाए पीछे पीछे घूमे। बने खुश हैं अपने पति से बोली जो हम गुस्सा होए ना रोटी तक खाए पीछे पीछे घूमे। कमारा नहीं मारी मोई पति मन एक बड़ी अजीब सी बात है, एक बड़ी अजीब सी बात है, जो हम माए के जाए रात को बसप करें बोलो नहीं पहुंचे। बड़ी अजीब सी बात है उसी जगह गौर करते हैं। सीता जी के पास में जाकर के वो सहेली जब पहुंच गई है बोली बहन जिनका हम बरसों से गुणगान करते आए हैं जिनका हम बरसों से नाम लेते आए हैं अब मालूम पड़ता है कि भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद हैं और तुम हमारे साथ में चलो। अब सीता जी ने जब इतने शब्द सुने अब सीता जी चली और जब सीता जी चली हैं प्रभु राम के पास में जाकर के जब पहुंची हैं और जब प्रभु राम के पास में जाकर के पहुंची हैं तो राम ने सीता की सूरत देखी और सीता ने प्रभु राम की सूरत देखी तो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं मगर कह कुछ नहीं पा रहे ना अपने मन की बेटा सीता कुछ राम से कह पा रही ना राम अपने मन की बेटा सीता जी से कुछ कह पा रहे। तो यहां तुलसीदास जी बोल बैठे उन्होंने लिखा देख राम छवि हरे सिया मातिया जाती सीता ने प्रभु राम को देखा राम ने सीता जी को देखा एक दूसरे की ओर देख रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं ना अपने मन की बेटा सीता कुछ राम से कह पा रही हैं और ना राम अपने मन की बेटा सीता जी से कुछ कह पा रहे हैं। तो तुलसीदास जी बोले हो जी बोल पड़े कि देख राम छवि सी मत अटकी और सिया छवि देख राम मत भटकी। कैसी दशा हो गई मालूम है गूंगा स्वाद जिन सके न भानी गूंगा गो
कितनी बढ़िया मिठाई घबाओ। हाँ, और बाद में बात से जा पूछो भैया कैसी लगी, तो अच्छी लगी है तो हंस दिया, और खराब लगी है तो मौ भी गाचे, अब तुम्हें ही समझो जाए कैसी लगी। तो ऐसी दशा हो गई राम और सीता की। प्रभु राम जो है, प्रभु राम जो है कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, वो भगवान कि पड़ गए प्रेम की डोरी में। ओ चित चोर आहा पचित चोर दूसरे की ओर देख रहे हैं मगर कह कुछ नहीं पा रहे हैं, ना अपने मन की व्यथा सीता कुछ राम से कह पा रही है, ना राम अपने मन की व्यथा सीता जी से कुछ कह पा रहे हैं। परिणाम ये हुआ वहां पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर चित चोर है। क्यों सीता की सूरत जवा देखी, सीता की सूरत जवा देखी ना आघब के नैन चकुआ है। दूसरे की ओर देख रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। हाँ? सीता जी ने गिरिजा जी की तपस्या की है, वरदान प्राप्त किया है, पुनः घर वापस लौटी आई। भगवान श्री राम लगभ्रता लक्ष्मण जो है वो भूत तोड़ने के बाद में गुरु विश्वामित्र के पास में वापस लौटे आए। इधर सीता का स्वयंवर है जनकपुरी, एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई है, नव दुल्हन की तरह। बड़े बड़े बहादुर पहुंच गए उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। जनक को खबर मिली है कि विश्वामित्र भूल बाग में रुके हैं, तो जनक ने बड़े सम्मान के साथ विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुलवाया है उसी रंगभूमि में जहां धनुष रखा हुआ है। बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन तब तक सहेलियों के साथ में सीता जी हाथ में जयमाला लेकर के रंगभूमि की ओर जब बढ़ी हैं, और जब सीता जी रंगभूमि की ओर बढ़ी हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा कि रंगभूमि हजम सिए पगुधारी और मोहे देख सकल नर तो सीता जी की ओर देख करके स्त्रियां पुरुष सम्मोहित तो हो गए सब। तुलसीदास जी बोले जी बोले कि रंग भूमि जब सी अपगुधारी हर मोए देख सकल नर नारी।
रंग भूमि में जब सीता जी ने पैर रखा तो सीता जी की ओर देखकर के स्त्रियां पुरुष सम्मोहित हो गए। अब तुलसीदास यहां एक बात और लिखते हैं कि मोहे नारे नारे के रूपा और पन्नगार जेरी ते अनुपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, फिर सीता जी को देख करके स्त्रियां मोहित क्यों हो गई? तुलसीदास जी समझाते हैं कि रंग भूमि जब सीय पगुधारी, पगुधारी पगुधारी कहते हैं प्रभु राम को, श्री राम का नाम था पगुधारी। कब से पढ़ा क्यों पढ़ा? भ्रम ने छाती में लात जब मारी हो तमई से कहे तेरे पगुधारी। पगुधारी कहते हैं प्रभु राम को। तो स्त्रियां सीता जी को देख करके मोहित नहीं हुई बल्कि पगुधारी श्री राम को देख करके मोहित हो गई। बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, धनुष उठाने का जिस समय आदेश हुआ है तो बहादुर लोग धनुष को उठाने लगे हैं। और जब बहादुर लोग धनुष को उठाने लगे हैं तो तुलसीदास जी फिर बोल पड़े। क्या बोल पड़े? तुलसीदास जी ने लिखा कि बहुप सहस्र दस एक बार हो लगे उठावन टर हे न टारा। भूप सहस्र दस यानी 10,000 राजाओं की गिनती है और एक ही बार, क्या 10,000 राजा एक ही बार में सुधनुष को उठाने में लग गए? सो कितना भारी वो धनुष था और 10,000 राजा हुए तो कम से कम 20,000 तो हाथ भी हो गए। चलो ये भी छोड़ो, अगर वो धनुष किसी तरह टूट भी जाता तो सीता किनके किनके गर्दन में जयमाला डालती, लेकिन ऐसा नहीं है। भूप सहस्र दस है कई बार यानी 10,000 राजाओं की गिनती तो है लेकिन सबका नंबर एक बार आया धनुष को उठाने में, दोबारा किसी का नंबर ही नहीं आया। बहादुर लोग दांती पीस पीस करके रह जाते हैं। धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भी किसी ने धनुष हिला भी नहीं पाया। और जब वो धनुष नहीं हिला तो जनक उठ करके खड़ी हो गई। जनक बोले हैं आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बात तो नहीं रहा, अगर ये बात वे पहले जान जाते तो धनुष तोड़ने का संकल्प ही ना करते, अपने अपने घर लौट जाओ। आज हम समझ गए ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है, जाइए। जनक बोले हैं आज हम समझ गए, हम समझ गए कि कुआरी लली लही। मेरे दिमाग में आ गया कुआरी धीये रही मेरे प्रथा पे जधन सकी थानी कुआरी। आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बहुत तो नहीं रहा, ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही रहे, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। आज हम समझ गए कुआरी लली रही समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बात तो नहीं रहा, अगर ये बात में पहले जान जाते तो धनुष तोड़ने का संकल्प ही ना करते, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। भागवत श्रोताओं जो इतने शब्द सुने हैं लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण पर नहीं रुका गया, लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए।
लक्ष्मण बोले हैं, जनक राज कैसे तुमने सोच लिया कि पृथ्वी पर कोई बहा तो नहीं रहा, कैसे तुमने समझ लिया ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है, है ये धनुष, धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी जी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ना उछाल के फेंक दू, जनक राज कैसे तुमने सोच लिया। लक्ष्मण पर नहीं रुका गया और लक्ष्मण बोले हैं, जनक राज हमारी बात सुनो, कैसे तुमने सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहा तो नहीं रहा, कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है, धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी गुरु सामित्र से मेरी बात सुना, सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहा तो नहीं रहा, कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है, ये धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी जी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ना उछाल के फेंक दू, जनक राज। लक्ष्मण ने जब इतने शब्द कहे हैं तो बहादुर लक्ष्मण के चेहरा की ओर देखने लगे। विश्वामित्र बोले हैं, लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है और तुम बीच में खड़े हो जाते हो, इस बात से हम खुश भी नहीं है, आप बैठो। लक्ष्मण बैठ गए। विश्वामित्र ने राम से सारा किया, बेटा राम तुम इस धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। विश्वामित्र के कहने के आधार पर जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जब आगे को बढ़े तो बहादुर लोग ताली मार के हंसने लगे, बोले अब चिड़िया चली है पाल उठाने के लिए। सीता जी की मां नहीं मन में सोचने लगी, मालूम पड़ता है अब विश्वामित्र ने हंसी कराने में कसर नहीं छोड़ी, भला इतने बड़े बड़े बहादुर पर धनुष नहीं उठा तो प्रभु राम के कोमल हाथों से धनुष कैसे उठ जाएगा। सीता जी भोले बाबा से अनुरोध करने लगी है, भगवान शंकर ये धनुष तुम्हारा है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु राम के कोमल हाथों से उठ जाए। फिर सीता जी ने सोचा है कहीं भोले बाबा भांग के नशा में ना पड़े हो, फिर धनुष से अनुरोध किया है तुम थोड़े से हल्के हो जाओ। क्या थोड़े से हल्के? अब जब प्रभु राम उस धनुष के पास में पहुंचे हैं, प्रभु राम जब पहुंचे हैं जाते जाते एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया, उठाते तो सबने देखा लेकिन टूटते टूटते किसी ने नहीं देखा। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई सबने देखा लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। हाँ परिणाम ये हुआ, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में, सुनील तेरी घुड़कुलों से धन टूटी पड़े खुशी नहीं भोलनी जब मनों में। उठाते तो सबने देखा लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। हां जब वो धनुष टूट गया तो बहादुर लोग राम के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। और जब वो धनुष टूट गया तो सीता की सहेलियां बोली हैं, बहने अब तुम काहे के लिए खड़ी हो, धनुष भी टूट गया, अब जयमाला क्यों नहीं पहना देती। अब सीता जी प्रभु राम के पास में जाकर के जब पहुंची है उचक उचक के रह जाती, लेकिन भगवान के गर्दन तक नहीं पहुंच पाई।
सीता की सहेलियों ने देखा है कि सीता तो बहुत परेशान है, तो सीता की सहेलियां प्रभु राम से अनुरोध करने लगी हैं, राम तुम एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा? मेरी बात सुनो, आप जो है ना के झुकी जाइयो तने कर रघुवीर लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो बोलिया तुम क्यों? क्यों तो बोली सोना झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी पारी है, झुकी जाइयो झुकी जाइयो तने कर रघुवीर लली मेरी पारी है, झुकी जाइयो सोचा लगे जामे कौन सी बड़ी मुसीबत है, चलो झुके जा रहे हैं। और जैसे राम झुकबे के लिए तैयार भए सो लक्ष्मण बोले भैया ससुरारे में और सो पहली बार और भौजाई के सामने और अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुके रहे। राम नहीं झुके। जनकपुरी की लड़कियां बोली हैं लक्ष्मण तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। क्यों? जयमाला कब की पंजाबी अकेले तुमने नहीं पहनने दी। लक्ष्मण बोले हमसे कहो ना हम पहनवाएंगे। का पहनवाओ? लक्ष्मण बोले देखो भैया ने कितना बड़ा काम किया है, जो भैया ने धनुष तोड़ दिया है और हमने भैया के पैर भी नहीं छुए हैं। अब लक्ष्मण ने प्रभु राम के पैर छुए हैं, राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है, लक्ष्मण ने सारा कर दिया, सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला पहना दी। और जब जयमाला पहनाई है इस तरह भगवान श्री राम और सीता का स्वयंवर हुआ। इधर अयोध्या में खबर भेज दी गई कि दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में आ जाए। अब जब खबर मिली है दशरथ को तो दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे हैं। देखो दूल्हा पहले पहुंच गए, बारात बाद में गई। और जब जनकपुरी में बारात पहुंची है तो राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ है। और जब चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ है शुभ घड़ी न मिलने पर राम की बारात जनकपुरी में एक दो दिन नहीं 74 दिन रुकी। 74 दिन रमोला जी आज जैसी बारातें तब नहीं चलती थी, अब आजकल बारातें पहुंची ना पाओ ता से पहले ही लौटे आओ। और हम तो एक ही चीज देखते हैं भगवान ही दया से नाश्ते उसका वास्ता नहीं हो पाता। चलो अब जे बात तो छोड़ो, वैसे अब हम लोग अपनी बात तो छोड़ो, अगर कोई बड़े बूढ़े बाबा बारात में जाए आज के जमाने में और जब सवेरे लौट के आए और तुम्हें कोई रत्ता मिल जाए तो उनसे पूछो बाबा तुम्हें संजा को बारात में का खाइबे को मिलो, तो एक ही जवाब देते लला हमें धक्का के अलावा कुछ खाइबे को ना मिलो। कहां राम की बारात 74 दिन रुकी। बारात जब चलने के लिए तैयार भई तो जनकपुरी की स्त्रियां बोली हैं कि बारात जा रही है चलो तो एक गारी गा ले। हाँ तो भगवान को गाली देती वही बोली हैं कि तुमसे नितयावत मेहमान। जामे दो अर्थ हैं लला, एक तो ये कह रही हैं कि तुम्हारे जैसे हमारे जन कितने आते हो जन कितने चले जाते हैं, दूसरी बात ये है कि प्रभु अगर तुम्हारे जैसे अगर हमारे यहाँ आते रहे तो फिर बात ही कुछ अलग है, तो फिर ये आंगन ही पवित्र हो जाएगा। कि तुमसे नितयावत मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर तुमसे
कहती हूँ ही बोली है, अगर तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ पे रहे तो जिंदगी पवित्र हो जाए। और दूसरी बात एक और है, ये भी कह रही है तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ कितने आते तो कितने चले जाते हैं। उसी के साथ में शादी भाई, शादी होने के बाद में बारात जो है अयोध्या में वापस आई है। बोलिए नाम चंद्र भगवान की।